यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कपड़े पर गला छोटा है तो इसको हम बड़ा करेंगे कटिंग के अनुसार। यहाँ पे मैंने कपड़ा रखा है और ये डोरी रखा है, इसका मैं लूप बनाऊंगी और यहाँ मैं ज़रूरत के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। ये जो कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर से अटैच करेंगे और ये कपड़ा हम डोरी जो है इसको ज़रूरत के हिसाब से कटिंग करेंगे और ये कपड़े के साथ हम स्टिचिंग लगाएंगे इसमें। स्टिचिंग लगा के हमको पतला सा सिलाई करना है। अच्छे से सिलाई करके इसे बैठा लें। सिलाई करने के बाद हम छोटी कैंची से या पतली कैंची से अच्छे से कट लगा देंगे और इसे हम टॉप सील लगा देंगे। फोल्ड करके टॉप सील चलाने के बाद हम इसे फोल्ड करके अच्छी फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे। अब हमें इसे लास्ट फिनिशिंग देना है, फोल्ड करके स्टिच लगा देना है। आप चाहे तो डोरी को पहले अटैच कर सकते हैं या लगाने के बाद। इस तरीके से फिनिशिंग दे के नीचे की साइड भी आप सिलाई लगा दें, ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लें और ऊपर साइड से ही फोल्ड करके फिनिशिंग दे दें। अब देखिए इस तरीके से गला बड़ा हो गया और फिनिशिंग भी हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी कपड़े को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम डोरी को काट के जो रखे थे उसे लगाएंगे। आप अपने सुविधा अनुसार दाएं बाएं लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद इसमें बटन अटैच कर दें तो ये रेडी हो जाएगा, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। ये तरीका आई थिंक हमें लगता है कि ट्राई करना चाहिए क्योंकि यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए हमारा बन गया है, इसमें बस बटन लगाने की देरी है।